ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आने के बाद कंगना रनौत काफी बुरी तरह से भड़क गई हैं और अब तो कंगना ने मुंबई छोड़ देने तक की बात अपने मुंह से कह डाली है। पूरी खबर आपको बताएं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यानी कि न्यूज इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। दरअसल शेखर सुमन के बेटे और अभिनेता अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के बेसिस पर मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के ड्रग सेवन और ड्रग पैडलर से कनेक्शन को लेकर जांच शुरू कर दी है। कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर खुद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की तरफ से मीडिया को जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि कंगना रनौत भी उन बॉलीवुड सेलेब्स में से एक हैं जो कि ड्रग्स का सेवन करती हैं। अब ड्रग एंगल में नाम सामने आने के बाद कंगना ने भड़कते हुए ट्वीट किया है कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट करा लो, मेरी कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करा ली जाए, अगर मेरा ड्रग पेडलर से कोई भी कनेक्शन निकलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कंगना ने यहां पर हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ने की बात कही है और साथ ही आखिर में कंगना ने लिखा मिलती हूं। जाहिर सी बात है कि 9 तारीख को कंगना मुंबई भी पहुंच रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज इन शॉर्ट।